आपके इलाके में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज ना हो तब भी आपको दूसरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि आप अपने घर पर ही रहें और केवल तब बाहर जाएं जब बहुत जरूरी हो। आप अपना जरूरी सामान लाने बाहर जा सकते हैं, आपात स्थिति में डॉक्टर के पास या अस्पताल जा सकते हैं, और जरूरी हो तो काम करने। स्थानीय सरकारी नियमों और प्रतिबंधों की जानकारी रखें, पर यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हों तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सरकारी हेल्पलाइन पर 1075 पर फोन करके सलाह लें। आप जब भी बाहर जाएं एक साफ मास्क पहने। ऐसे समारोहों से बचें जैसे उत्सव या धार्मिक कार्यक्रम जहां बहुत लोग इकट्ठा होते हों। परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही जरूरी सामान लेने बाहर जाए। अपने आसपास के सभी लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। दुकानदार से भी सिर्फ उसी सामान को छुएं जिसे खरीदना हो, और कभी भी अपने नाक और मुंह को ना छुएं। स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर जाना पड़े तो क्या करें? आप नियमित जांचों के लिए डॉक्टर के पास या अस्पताल जा सकते हैं। इसके लिए अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को फोन करें। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको आशा कार्यकर्ता या ANM को फोन करके पूछ लेना चाहिए कि आपको जांच के लिए कब और कहां जाना चाहिए। यदि कोई आपात स्थिति हो जैसे प्रसव पीड़ा या कोई दुर्घटना, तब आप तुरंत अस्पताल जाएं। जब आप बाहर से घर वापस लौट रहे हैं तब ज्यादा सावधानी रखें, ये पक्का करने के लिए कि आप अपने साथ वायरस लेकर घर तो नहीं आ रहे हैं। इन कदमों को अपनाएं। अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर रख दें। दुकान से लाए गए सामान को अपने घर के दरवाजे के पास ही कुछ घंटों के लिए रखा रहने दें। हो सकता है कि उन पर कोरोना वायरस हो। अपने मास्क को कान के पीछे से पकड़ते हुए और बिना सामने का हिस्सा छुए उतार दें। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोएं। अपने कपड़े बदल लें और यदि संभव हो तो नहा लें। साबुन के पानी या कीटाणु नाशक में डूबे हुए कपड़े से अपने मोबाइल, चाबियों, अपने अन्य सामान और बाहर से खरीदी सभी वस्तुओं को पोंछ दें। दुकान से लाई गई सब्जियों और फलों को पानी से धोएं और फिर से अपने हाथ धो लें। अपने कपड़ों और मास्क को साबुन और पानी से धोएं और धूप में सुखाएं। और अंत में, बाहर जाते समय, सामान खरीदते समय और घर वापस लौटते समय इन विशेष सावधानियों को ध्यान में रखकर और निर्देशों का पालन करके आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समुदाय को कोरोना वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं।